चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शो हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी। भारत तिब्बत पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आज से इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, अब बात करते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ये देख सकते हो असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। कौन सी है जी? असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, ग्रुप ए की गेजेटेड कैबिनेट्स की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। 11 पोस्टें हैं जी, जिसमें 6 पोस्टें जनरल की हैं, 1 पोस्ट इकोनॉमिक विकास सेशन की और 1 पोस्ट एससी एसटी की, 2 पोस्ट ओबीसी की हैं। टोटल में 11 पोस्टें आपको इंडो तिब्बत की पुलिस की देखने को मिल जाएंगी। और इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा है जी। पे स्केल कितना है जी? 56,100 से लेकर 1,70,500 तक, 1,70,500 तक पे स्केल मांगा हुआ है। और इसमें बैचलर डिग्री मांगी है मैकेनिकल में विद ऑटोमोबाइल, एक सब्जेक्ट आपका ऑटोमोबाइल का भी होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या तो मैकेनिकल में डिग्री हो तो डिग्री में एक सब्जेक्ट आपका ऑटोमोबाइल का होना चाहिए। अगर ऑटोमोबाइल नहीं है तो बैचलर डिग्री ही आपकी ऑटोमोबाइल में होनी चाहिए। और एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर 1992 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ये होगी मैक्सिमम एज आपकी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल 10 साल अलग अलग है, ठीक है जी। रिलैक्सेशन रहने वाली है एज पर द गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये आप जो अप्लाई करोगे फॉर्म, ये आप 9 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 9 सितंबर तक आपके पास टाइम है इसको अप्लाई करने का। सारे का सारा फॉर्मेट ऑनलाइन मोड में है, कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं है, ठीक है। इसमें पहले आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा जी। फिजिकल टेस्ट में हाइट जो है मेल की 165 मांगी सेंटीमीटर मांगी है, फीमेल की 157, और मेल की चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंडेबल, और एक्सपेंडेबल के बाद 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा हुआ है। वेट की बात करें मेल फीमेल के लिए, वेट जो है उनकी एज के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको वेट का भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपका मेडिकल बेसिक मेडिकल भी होगा, ये सारे मेडिकल के रूल्स बता दिए हैं। लेसिक सर्जरी, अगर आपने लेजर करवाई हुई है तो लेजर का भी आपका इंटरवल 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। एज आपकी 20 से 35 के बीच में होनी चाहिए। और जो एक्सियल लेंस है यानी कि जो जो जिन्होंने लेजर करवाई हुई है उनको पता होगा, ठीक है जी, ये उनके लेजर के पॉइंट्स आपको मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद आपके हाथ पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई लोकेशन, कोई साइज, कुछ भी आपका इस तरह का इनक्रेडिबल नहीं होना चाहिए, इनक्रेडिबल नहीं होना चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन से बात कर दे, ठीक है जी। और ये आपके जो फॉर्म है 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होने, और 9 सितंबर रात के 12 बजे तक आप फिलअप कर पाओगे, ये पूरा प्रोसेस बता दिए। इसमें 400 रुपये आपकी फ़ीस जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेशन की रहने वाली है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी से या एक्स सर्विस मैन है तो उसकी कोई भी फीस नहीं रहेगी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें पहले आपका जो है आपका पहले कैंडिडेट को एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के बाद उनका पीईटी पीएसटी होगा, ठीक है जी, प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है जी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर की रेस मेल ने 18 सेकंड में और फीमेल ने 20 सेकंड में कवरअप करनी है। 800 मीटर की रेस 4 मिनट में मेल ने, 5 मिनट में फीमेल ने कवरअप करनी है। लॉन्ग जंप 11 फिट का 3 चांसेस दिए जाएंगे और फीमेल को 9 फिट के 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट अप 7.5 किलोग्राम का यानी कि 7.26 किलोग्राम का 14 फिट, और फीमेल का तो कुछ नहीं मांगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए ही शॉर्ट पुट मांगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेस्ट की बात,
इसमें फिजिकल, अगर एफिशिएंसी टेस्ट में क्लियर होते हो तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल भी होगा और आपका क्या ले चेस्ट भी मेल की फाइनल की जाएगी, चेस्ट हाइट इसमें मेजर यही चीज़ें आपकी रहने वाली हैं मेल फीमेल की। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको टेंथ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है ठीक है, और ये सारे आधार डोमिसाइल, आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सेकेंड फेज में आपका रिटर्न टेस्ट होगा जी। रिटर्न टेस्ट में क्या कुछ आएगा ये देख सकते हो, रिटर्न टेस्ट है। रिटर्न टेस्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 160 क्वेश्चन और 160 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि 200 का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर का, 3 घंटे का आपका टेस्ट रहने वाला है। ये टोटल आपका सिलेबस रहने वाला है जी ठीक है। कौन कौन सा सिलेबस होगा इसमें, क्वालिफाइंग नेचर की बात करें तो जनरल ओबी इकोनॉमिक वीकर सेशन को 50%, एससी एसटी ओबीसी को 45% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। फेज थर्ड में आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है ठीक है जी। इंटरव्यू अगर आप पीईटी क्लियर करते हो, क्वालिफाई करते हो, पीएसटी क्वालिफाई करते हो, डॉक्यूमेंट आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का ठीक है। और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आपकी कैटेगरी की वाइज जनरल एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हिसाब से निकलेगी। फोर्थ में डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा ठीक है जी। मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल्ड, पूरे का पूरा आपका बॉडी चेकअप किया जाएगा और उसके बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा ठीक है जी। ये सारी की सारी, हाँ एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर पीएसयू में या कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी देना होगा। विदाउट एनओसी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है। बाकी आपको सारे का सारा प्रोसेस मिल गया है। हाँ अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हो, कोई भी क्वेरी चाहते हो, तो इन नंबर्स पर आप कंसल्ट कर सकते हो। वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, वर्किंग डेज में, होली डेज में नहीं जी, वर्किंग डेज में ठीक है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसी तरह वायलेंस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर मेंशन है। ज़्यादा जानकारी के लिए examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो, इसमें आपको कल ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस असिस्टेंट कमांडेंट की जो ट्रांसपोर्ट की पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन बेस पर 11 पोस्टें, 56,100 से लेकर 1,70,750 तक आपका पे 500 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। और 11 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जी, 9 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेशन की 400 रुपये फीस, एससी एसटी पीएचए और ऑल फीमेल की कोई भी फीस नहीं है, दैट क्लियर है। यहाँ पर आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है जी, कौन सी पोस्टें हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं। 18 से 30 साल एज आपकी 9 सितंबर तक मांगी हुई है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने कहा, पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका डिटेल्ड मेडिकल रहने वाला है ठीक है जी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड है जी ऑलरेडी, एप्लीकेशन लिंक, नोटिफिकेशन लिंक और ऑफिशियली वेबसाइट लिंक। जैसे ही वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने पूरे का पूरा फॉर ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट कमांडेंट की इंडो तिब्बत की एडवर्टाइज है, यहाँ पर इंस्पेक्टर की है, आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन अगर पहले कभी नहीं किया तो आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर तो पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो लॉगिन पर क्लिक करना है ठीक है, अदरवाइज आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी देख सकते हो आपको कमांडेंट की पोस्ट स्क्रॉल में देखने को, न्यूज में देखने को मिल गई। न्यू रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपने जो जो मांगी जा रही हैं वो फिलअप करनी है। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है कभी इंडो तिब्बत का तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी आईडी बार डालकर। यहाँ पर आपका नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, मेल आईडी कंफर्म कीजिए, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी, अगर आप कोई पासवर्ड भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलअप कीजिएगा ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद कैप्चा एंटर करके आपने सबमिट करना है ठीक है जी। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं, जैसे मैं कई बार वीडियोस में बता भी चुका हूँ, इस तरह का आपने आपने पासवर्ड रखना है, जैसे
पहले तीन अक्षर चार अक्षर आप अल्फाबेटिक रख सकते हो, फिर एक स्पेशल करेक्टर जो कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, इनमें से कोई भी आप स्पेशल करेक्टर एक रख सकते हो, और उसके बाद आपने नुमेरिकल यानी कि 8 से लेकर 16 आपके करेक्टर होने चाहिए पासवर्ड के, ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है, सबमिट के बाद आपने अपना फ़ोटो सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट की फोटो सॉफ्ट कॉपी, आधार कार्ड, ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आपसे फीस फिलअप मंगवाई जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन ही फॉर्म आप फीस पेमेंट कर देनी है। यहाँ ज़्यादा जानकारी के लिए कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना, हाउ टू रजिस्ट्रेशन पर पूरे का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया, ये पूरे का पूरा प्रोसेस भी कितने में आपको चाहिए देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा पूरा फॉर्मेट मेंशन है। डिजिटल साइज जो फोटोग्राफ का है आपका जेपीजी में होना चाहिए 30 से 100 KB के बीच में, और सिग्नेचर जो है वो भी जेपीजी में होने चाहिए और वो भी 15 से 30 KB के बीच में आपके होने जरूरी है, ठीक है जी। और ये उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सारी समझ आ गई है, बिल्कुल ईजी वे में आपका रजिस्ट्रेशन आराम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर हाँ कोई हमारे से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो सिंपली व्हाट्सएप पर क्लिक कर सकते हो या अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हो, तो हम आपकी हेल्प प्रॉपर वे में करेंगे। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।